भाई दूज पर रोडवेज बसों पर सुबह से काफी चहल पहल रही। भाइयों के घर जाने को बहनें बस स्टैंड पहुंची। सबसे ज्यादा भीड़ पीतल नगरी से बिलारी, संबल, चंदौसी जाने वालों की रही। भाई दूज के चलते बस अड्डों पर खासी चहल पहल रही। दिवाली और गोवर्धन के बाद सोमवार को मुरादाबाद और पीतल नगरी डिपो पर सुबह से ही बहनों की भीड़ बस अड्डों पर पहुंचना शुरू हो गई। मुरादाबाद के मुकाबले पीतल नगरी डिपो से बरेली, रामपुर, बिलारी, चंदौसी के लिए सबसे अधिक बसें रवाना हुई। इसके साथ ही बिजनौर और धामपुर डिपो की बसों में सवारियां खूब गईं। बरेली, रामपुर के लिए बहनें बसों से गईं। बस अड्डों पर बसों के बावजूद सवारियां बसों में जगह लेने के लिए मारामारी करते दिखे। रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। भाई दूज के मौके पर बसों की बड़ी कमी की वजह से यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को खिड़कियों से चढ़ाते नजर आए तो कुछ लोग ड्राइवर वाली खिड़की से चढ़ते नजर आए। ARM पीतल नगरी डिपो ने बताया कि सुबह से बिलारी, रामपुर, चंदौसी के लिए सबसे अधिक सवारियां निकली। सवाल पूछा कि यहाँ कितनी बसें हैं और कितनी चल रही हैं और कितनी खराब हालत में पड़ी हुई हैं, तो उन्होंने बताया कि लगभग 30 बसें खराब हैं, लेकिन यात्रियों ने बदहाल बसों में यात्रा करने के लिए बसों को धक्का तक लगाया। आप इसे साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यात्री बस में जाने के लिए बस को धक्का लगा रहे हैं। हमारे मंडल में 694 बसें हैं, 694 बसों में से इस समय हमारी 650 बसें रुक गए हैं और चल रही हैं। और जो बसें खड़ी हुई हैं वो किस कंडीशन में? कुछ बसें हम लोगों ने सरेंडर कराई थी पिछले दिनों कम यात्रियों के कारण, तो वही हमारी 32 बसें सरेंडर हैं, बाकी हमारी सब बसें चल रही हैं। अच्छा सर, अभी भी कुछ बसें जो रोडवेज में चल रही हैं वो भी धक्का परेट है क्या? नहीं, कोई गाड़ी धक्का परेट नहीं है, सब गाड़ियाँ सेल्फ स्टार्ट हैं। आज हमने देखा रोडवेज पे गाड़ी को धक्का लगा के स्टार्ट किया जा रहा था, तो 694 में से एक गाड़ी अगर धक्का परेड हो गई तो ये नहीं कहा जा सकता कि गाड़ी धक्का परेड है। एक तो हो सकता है।